हाल है आप सबका? वेलकम जी आई नू, खुश आमदीद। नायला की दावत में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए बड़ी मज़ेदार, बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी मसालेदार रेसिपी लेके आई हैं, जो बहुत ही लाजवाब है, जिसका नाम है मकाई की सब्जी। तो चलें, जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको इस रेसिपी के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर टैप कीजिए। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस रेसिपी के लिए, वो है 250 ग्राम मकाई के दाने, दो दरमियाने साइज़ के प्याज, दो टमाटर, 3/4 कप क्रीम, 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून शान दाल मसाला और 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी। चलिए भैया, अब ये करेंगे कि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं उनको हम छीलना शुरू करेंगे। जो है हमारा ये प्याज और हमारे टमाटर्स को भी चॉप करके हम डाल देंगे हमारे जो है फूड प्रोसेसर के अंदर, ताकि इनको हम प्यूरी कर सकें। तो ये टमाटर को और जो है प्याज को हमने कटा प्यूरी करना है। तो बस इसको इस तरह ही हम छील रहे हैं। और जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो है आपके हील्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इधर, इनको डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं है आपके जिसमें। बेशक आप ये अपने कॉम्पोस्टर में ला लें और आपकी जो है क्रॉप्स जो बाहर हैं या जो भी क्या कहते हैं आप कोई चीज़ ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी हैं ये जो है सारी जो ये डिस्पोज करते हैं। ये जो है कॉम्पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, जो है मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सारे कॉम्पोस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो चलें हम बस ये करेंगे कि अब इसको हम जो है हमारे फूड प्रोसेसर के अंदर डाल देंगे। चलिए भैया, बस ये करेंगे कि इसको उठा के हमारे जो फूड प्रोसेसर है उसके अंदर डालते जाएंगे। ये हमने इस तरह डाल दिया, अब इसको हम प्यूरी करेंगे। तो बस इसको हम प्यूरी करना शुरू करते हैं। ये हो चुके हैं, अब हमारा जो अनियन एंड टमाटो की प्यूरी बन चुकी है। तो बस अब आपको बताते हैं कि इस जो है हमारी जो सब्जियां बना रहे हैं इसको हम किस तरह बनाएंगे। फिर भी हमें ये चीज घी डाल के हमने जो हमारा है अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दी, थोड़े से छोटे करें। इसके साथ ही जो हमारा है प्याजों का टमाटो की प्यूरी हमने डाल दी। तो इसी तरह हमारा है ये, अब ये भी हम अंदर इसका ही डाल दें और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और उसके बाद आपको दिखाते हैं जो स्टेप होता है। तो देखते हैं उसको हमने मिक्स कर दिए। तो बस इसी तरह ही इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो उसके बाद जो हमारी अगली इंग्रेडिएंट है हम डाल देंगे। रिवेज अब आप देख सकते हैं कि जो कलर है ये काफ़ी चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे जो हमारी क्रीम है वो हम अंदर ऐड करेंगे इस तरह और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसको अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए रहने देंगे ताकि ये इन्फ्यूज हो जाए अंदर। फिर भी इसको अबाउट 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, तो इस पॉइंट पर जो है हमारे मसाले वो हम अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे। अंदर सारे मसाले हमने ऐड कर दिए अंदर, अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको इन्फ्यूज़ होने देंगे अ फ्यू मिनट्स के लिए। चलिए भी जब इसको हो गए कुछ मिनट इन्फ्यूज़ होते हुए हमारे मसालों में, बस ये करेंगे कसूरी मेथी अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं कि अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद हम ये करेंगे कि जो है हमारे स्वीट कॉर्न वो हम अंदर डालेंगे, साथ में जो है हमारा नमक वो भी हम अंदर ऐड करेंगे, फिर से मिलाएंगे मसाले के साथ। अच्छी तरह से और अब हम ये करेंगे कि जो हमारा पानी है वो अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप, इसको मिक्स करेंगे
और अब इसको हम रखने देंगे अबाउट 7 to 10 minutes के लिए। चिलीज इसको हो चुके हैं बाद 10 मिनट, हमने इसको छोड़ दिया तो कवर करके लो हीट पर। तो बस हमने इसको भी उतारा और हीट थोड़ी ऊपर की है, हमने हीट जो है हमारी इंक्रीज़ की है। तो बस इसको हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं और इसको प्लेट करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह लगता है। से हम जो हमारी मकाई की सब्जी है वो इसी तरह प्लेट की थाली में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने दूसरी भी डिशेस बना के रखी हुई हैं। तो ये हमारी तूर की दाल भी जो है, अगर आप जानना चाहते हैं ये हमारी तूर की दाल हमने किस तरह बनाई है तो मैं लिंक जो है वो ऊपर पोस्ट कर रही हूँ, तो आप ज़रूर देखना, वो भी रेसिपी बहुत ही अच्छी है। और साथ में हमने मेथी आलू भी इसमें रखे हुए हैं और मेथी आलू भी बहुत ही अच्छी है, नाइस इस रेसिपी के लिए, बहुत ही इस डिश के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो मैं अभी इसका भी लिंक ऊपर पोस्ट कर रही हूँ, तो अगर आपको ये जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरह बनाया तो उस रेसिपी को भी देखिए, ये बहुत ही अच्छी है। तो चलें अब इसको मैं ट्राई करती हूँ आपके सामने और बताती हूँ किसका टेस्ट किस तरह है। चलिए व्यूअर्स, अब मैं रोटी को तोड़ती हूँ और जो है हमारा मकाई की सब्जी उसको चख के आपको बताती हूँ किस तरह बनी है। वाओ, कोई मजेदार है, इतना मजे की क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आ रहा है, साथ में जो है मकाई के दाने हमारे, इतना ही मजे का आ रहा है टेस्ट। वाओ, चलिए व्यूज आप भी इस तरह थाली तैयार करें अपने गेस्ट के लिए और उनको इम्प्रेस करें, तो इसका लुत्फ उठाएं और उनको खुश करें और खुद भी खुश हों। चलिए व्यूज अब हमारे जाने का टाइम आ गया, तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें और अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। नाइल की दावत में आप सब वेलकम हो।